हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हुए पूर्ण कलाओं में आ जाता है तो पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा आती है। इसके बाद से नया माह आरंभ हो जाता है। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून दिन शनिवार को पड़ रही है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को आम बोलचाल की भाषा में जेठ पूर्णिमा या जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर एक शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या शुभ संयोग बन रहा है, शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। पर उससे पहले, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है। जहां गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो वहीं पूर्णिमा तिथि भी विष्णु जी की ही पूजा आराधना करने के लिए विशेष महत्व रखती है। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 2023 तिथि व शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभ आरंभ 3 जून को सुबह 11:16 पर होगा। वहीं इसका समापन 4 जून को सुबह 9:11 पर होगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत के दिन रात्रि के समय चंद्रोदय की उपासना की जाती है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। वहीं पवित्र स्नान 4 जून को किया जाएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन 3 अत्यंत शुभ समय का संयोग बन रहा है। आप लोगों को बता दें, इस दिन अनुराधा नक्षत्र पूर्ण रात्रि रहेगा। वही इस विशेष दिन पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि दोपहर 2:45 पर शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है जिन युवक युवतियों का विवाह होते होते रुक जाता है या फिर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो। ऐसे लोग यदि आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके शिव अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह में आने वाली हर समस्या दूर हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कोई भी कुछ खास उपाय करके इस शुभ तिथि से शुभ लाभ उठा सकता है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय। इस विशेष दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी वास करती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को रुका हुआ धन प्राप्त होगा और उसे बिजनेस में भी लाभ होगा। इस दिन दंपत्ति को चंद्रदेव को दूध से अर्घ देना चाहिए, इससे उनके जीवन में आ रही छोटी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये काम पति या पत्नी किसी भी के द्वारा किया जा सकता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज पीपल और नीम की त्रिवेणी के नीचे विष्णु सहस्रनाम या शिवाष्टांग का पाठ करना सबसे बेहतर होगा। आज की रात यदि कोई भी किसी कुएं में एक चम्मच से दूध डालता है तो उसका भाग्य चमक जाता है। साथ ही यदि उसे किसी भी जरूरी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है तो भी वह तुरंत दूर हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगली सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।